A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English language of class 3. And today I am going to introduce you a new topic, the article. What is the article? It's your chapter 2. It's your chapter 2. What is I am going to introduce today? The articles. The articles. What is the articles? Okay, articles, a, and the. What? A, and the. These are articles. Okay, a, and the. Okay, look, here is something for you. A, and the. These are articles. Now, let's move forward to explanation. Okay, students? Now, look. The articles. Okay? We use a with a word beginning with a consonant. Okay? We use a with a word beginning with a consonant. Okay? Students, look here. A means ek, and means ek. Okay? And the, we use the with particular words. With particular words. A means ek, and means ek. Both means are same, but uses are different. Okay? Articles are a, and the. Okay? We use a with a word beginning with a consonant sound. Okay? Consonant, and you also know vowel and consonant. You know alphabets. There are 26 alphabets. 26 alphabets hote hai na? A to Z mein. To aapka jo hai A, E, R, O, U. A, E, I, O, U. These are vowels. Ye vowel hote hai na? Inke except. इनके बाद जो भी अल्फाबेट्स बचते हैं, these are consonant. Okay students, तो आपको vowel और consonant तो आप class prep से पढ़ रहे हो ना, then तो इसीलिए जो a और and का use होता है, वो बेटा different क्या होता है, जो letter हमारे vowel से start होते हैं, उनके लिए हम and का use करते हैं, और जो letters हमारे consonant से start होते हैं, उनके लिए उनके साथ हम आ का यूज करते हैं. और जो दा होता है बेटा, दा आपका पर्टिकुलर, जो खास चीजें होती हैं, जो एक होती हैं, वो उनके लिए हम दा का यूज करते हैं. ठीक है? ओके, फर्स्ट लेट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, लेट्स स्टार्ट. ओके, वी यूज आ विद अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट. इसीलिए जो आ होता है वो हम आ वर्ड यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अ काइट. काइट आपका के से स्टार्ट हो रहा है ना, अ काइट. अ हॉर्स, हॉर्स आपके एच से स्टार्ट हो रहा है, अ हॉर्स. अ बर्ड. ओके, नाउ वी ऑल्सो यूज अ बिफोर द वोवेल यू एंड यू व्हेन द वर्ड्स एज इफ दे बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट. अब देखिए क्या होता है बेटा, अब आप कहेंगे ए ई आई ओ यू. यू हमारा जो है वो है तो वोवेल, लेकिन जैसे यू जो यू से ही स्टार्ट हो, जब हम प्रोनाउंशिएट करें यू, जैसे हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, तो जो जो हम साउंड क्रिए, जो हमारी आवाज़ यू से निकले, उनके पहले हम आ का यूज़ करते हैं. आ का एंड का ही आपको बोलोगे कि मैम ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म, यूरोपियन और यूनिवर्सिटी, और ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो वॉवेल है, तो इनके पहले तो हम एन का यूज करेंगे. नो बेटा, ये साउंड भी यू कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन. ठीक है, तो इनके पहले हम आ का यूज करते हैं. ओके, गेट इट, आई एम रिपीटिंग दिस. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम साथ में यू से, मुंह से भी यू बोल रहे हैं. ठीक है, तो आ यूनिवर्सिटी होता है, आ यूनिफॉर्म होता है, और आ यूरोपियन होता है. ओके, नाउ
आ यू के लिप्टस, ठीक है, जो यू मुंह से भी यू निकले तब हम आ का यूज करेंगे, वहां पे हम एन का यूज नहीं करेंगे, वी डोंट यूज एन देयर. ओके, नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. वी यूज आ विद अ वर्ड वन, इट साउंड्स एज इफ इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. फॉर एग्जाम्पल वन रुपीज, ठीक है, वन तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम एंड वन रुपीज नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आ वन रुपीज. रुपीज में आर तो किससे स्टार्ट हो रहा है, आर आपका कॉन्सोनेंट है ना, तो हम बोलते हैं आ वन रुपीज, आ वन आइड मैन, आ वन आइड, ये नहीं बोलेंगे एंड वन. हम आपको कहोगे वन तो मैम ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, जब हम वन साउंड करते हैं बोलते हैं तो वन के पहले भी आ यूज करते हैं, जैसे आ आ वन रुपी नोट, अ वन आइड मैन. ओके, वी यूज एंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड, फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन एक्टर, एन आइसक्रीम. ओके, वी यूज एंड, हम एंड का यूज करते हैं कब, बिफोर अ वर्ड, उस वर्ड्स के पहले, बिगिनिंग विद अ वॉवेल, बिगिनिंग विद अ वॉवेल, अब जो वॉवेल साउंड से होते हैं वॉवेल साउंड, फॉर एग्जाम्पल एंड एलिफेंट, एलिफेंट आपका स्ट्रीट ई से स्टार्ट हो रहा है, एंड एलिफेंट, एंड एक्टर, एंड आइसक्रीम, एलिफेंट ई बिगिनिंग विद ई, एक्टर बिगिनिंग विद अ, एंड आइसक्रीम बिगिनिंग विद आई, दैट्स वाई वी यूज एंड एलिफेंट, एंड एक्टर, एंड आइसक्रीम. ओके, गॉट इट. ओके, नाउ लिसन, लिसन, लुक हियर, आ man, okay, a man. Now देखिए an umbrella, अब ये u से start हो रहा है, umbrella भी हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, we call an umbrella, okay, an umbrella नहीं बोलते, but look here, we call a university. आप बोलोगे मैम एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट वाई, हम यूनिवर्सिटी में यू को यू ही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें यू से हो रहा है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं, लेकिन इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी. अभी हमने बताया ना यूरोपियन, यूनिफॉर्म, भले ये जब यू यू ही बोलते हैं, यू ही लिखते हैं, तब हम उसके पहले आ का यूज करते हैं. ओके, और एन अम्ब्रेला हमने क्या बोला, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, वाई, क्योंकि आपका जो है अम्ब्रेला जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम उसको कॉल क्या करते हैं, बुलाते क्या है, अम्ब्रेला, लेकिन इसको क्या बुला रहे हैं, यूनिवर्सिटी. ओके, गॉट इट. नाउ लुक हियर, दिस वन इज ताजमहल. बेटा आई विल डिस्क्राइब यू द, जो आर्टिकल आपका द है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्क्राइब करूंगी, बिकॉज क्या है कि बेटा दा आपका, आपको प्रॉपर वे से मैं आप नेक्स्ट सेशन में दा का, अभी फिलहाल दा ताजमहल, ताजमहल एक ही है ना, जो चीज़ें एक हैं, यूनिक हैं, उनके लिए हम दा का यूज करते हैं. लेट्स, यू गॉट इट, लेट, नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन, लुक हियर, अ मैन, एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला बट एन यूनिवर्सिटी, वाई, because an umbrella we sound umbrella, and next we sound an a university, u, university is we call it u. Okay, then I will send you worksheet for homework. Okay, have a good day.